राहुल गांधी कर्नाटक के मैसूर के दौरे पर होंगे, जहां वो कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी योजना का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि मैसूर में होने जा रहे इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर्स शामिल हो सकते हैं। ये कार्यक्रम महाराजा कॉलेज ग्राउंड में होगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि कर्नाटक में इसी साल मई में विधानसभा के चुनाव हुए, तब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार बनने पर हम हर घर में एक हाउसवाइफ को हर महीने 2000 रुपए देंगे। और राहुल गांधी आज अपने चुनावी वादे को निभाने जा रहे हैं। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं, गृहलक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। जानकारों की माने तो राहुल आज जैसे ही योजना का उद्घाटन करेंगे, तुरंत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली 1,09,54,000 महिलाओं के खाते में 2000 रुपए पहुंच जाएंगे। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम राशन कार्ड है। जो महिला या उसका पति इनकम टैक्स देता है वो योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो पहले ये कार्यक्रम 20 अगस्त को बेलगावी में होने थे, लेकिन इसे 27 अगस्त के लिए टाल दिया गया। बाद में जब राहुल का मैसूर दौरा तय हुआ तो कार्यक्रम की तारीख 30 अगस्त को मैसूर में तय की गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।